गाय से ही लोग हैं, और मैं अपने पापा को दिखाऊंगा तो शायद पापा मेरे दे दे 500 रुपये तो चले जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छे घर से हैं, जहाँ से आए हैं अच्छे घर से हैं गाइस। अब यहाँ आकर फंस गए तो क्या करें। तो गाइस मैं कल आऊँगा, इनको 500 रुपये दे कर जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे झूठ बोलूँगा, ऐसा कल आऊँगा मैं 500 रुपये दे कर आऊँगा। कल बहुत गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों अभी सुबह मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो गया दोस्तों, और मैं पूजा पाठ भी कर लिया गाइस। ये देखो इधर पूजा पाठ हो गया गाइस, और गाइस अभी मेरा इधर चाय बन रहा है दोस्तों। तो अभी मैं चाय और बिस्कुट खाएंगे, और गाइस पता है अभी तक मेरे घर में सब सो रहे हैं। ये देखो मम्मी सो रही, इधर ये सो रहा मेरा बड़ा भाई। मम्मी ने बोला बेटा चाय बिस्कुट खा ले, और उसके बाद आज तू झाड़ू मार दे, और जो दसना का खोली है उसे धो दे, कम्बल धो दे, और घर में झाड़ू मार कर पोछा मार दे। तो दोस्तों अब मम्मी का ऑर्डर है तो करना पड़ेगा, है ना गाइस। और ज़रूरी भी है, ये भी सीखना चाहिए गाइस। तो चलो पहले मैं अभी घर में पोछा मारता हूँ, उसके बाद जो दसना का खोली है उसे धोता हूँ गाइस। मम्मी का ऑर्डर है तो करना पड़ेगा ना। तो गाइस पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ, ये मम्मी का बिस्तर है तो मैं इसको खोली निकाल लेता हूँ गाइस। तो गाइस मैंने निकाल लिया, और ये दसना नहीं भूलेंगे गाइस, क्योंकि ये दसना मतलब अंदर रहता है खोली का, तो ये गंदा नहीं होता, सिर्फ ये खोली गंदा होता है। तो दोस्तों ये खोली धोएंगे। तो गाइस ये चादर भी धोएंगे, और ये चादर भी धोएंगे, और इसको खोली भी धोएंगे। ये कल धुला था ना, ये वाला, ये तो कल गाइस धुला था, ये भी धुला था, ये भी धुला था, इसको धोएंगे दोस्तों। बहुत गंदा हो गया, दिखने में ऐसा लगता है गंदा नहीं है, पर गाइस ना धोते समय तो बहुत मैल छूटता है गाइस। ये भी धोएंगे, इतना आज तो मम्मी पूरा मुझे धोबी बना दिया गाइस, इतना सारा काम दिया, बोला सारा चादर धोए। देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, मैं धोबी आज बन गया गाइस, इतना सारा कपड़ा, बाप रे। तो गाइस अभी मैंने बाल्टी ले लिया, इसमें पानी है और सोडा है दोस्तों, और इसमें फिर डाल देता हूँ। और गाइस अभी यहाँ सामान है ना, इसको सब निकालना पड़ेगा दोस्तों, निकाल कर थोड़ा सा खटिया पे रख देंगे तो पोछा मारते समय मतलब आसान हो जाएगा दोस्तों, हटाना नहीं पड़ेगा फिर। नहीं हटाते रहो एक साइड से, और दोस्तों ऑलरेडी मम्मी ने झाड़ू मार दिया है, बोला तू पोछा मार दे बस। तो दोस्तों ये देखो पूरे एक पैटिक का पूरा अनार खत्म हो गया, दूसरा पैटिक, हमारे घर में पैटिक पैटिक का अनार आता है गाइस, खाओ जिसको खून की कमी हो पूरा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ यार दोस्तों मैं पोछा मार लेता हूँ, सामान सब हटा दिया गाइस। पर एक बात है गाइस, घर में झाड़ू पोछा भी बहुत मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं यार घर में भी काम है थोड़ा सा कर लो, पर जब करो तो मालूम चलता है कितना मेहनत का काम है दोस्तों। अपने घर में कौन कौन पोछा मारता है कमेंट में जरूर बताना आप लोग। तो गाइस मैंने रूम में मार दिया, बाहर भी मार दिया, बस सीढ़ी का बाकी है दोस्तों, तो सीढ़ी का भी मार देता हूँ, काम फिनिश। तो गाइस मैंने पोछा मार दिया, अब ये जो सामान है सब इसको हटाकर जहाँ पर था वहाँ पर रख देता हूँ गाइस। गाइस मैंने आधे चादर धो दिए, और आधे अभी यहाँ पर बाकी है दोस्तों, ये कल धुलेगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा था ना इसलिए। तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ खाना खाने, मुझे भूख लग गई गाइस। तो गाइस अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, और खाने में है दोस्तों गोभी आलू की सब्जी और रोटी और चावल दोस्तों।
तभी मैं खा लेता हूँ गाइस। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ पार्क में, मैं अकेला जा रहा हूँ अपनी धन्नो के लेकर, और धन्नो मेरी साइकिल। और पार्क में आप सबको दिखाऊंगा दोस्तों, वहाँ पर मगरमच्छ से बाहर निकल निकल बैठते हैं पानी में से बाहर। तो चलो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, बस निकलने वाला हूँ गाइस। तो हे गाइस फाइनली मैं आ गया, अब चलो अंदर चलता हूँ दोस्तों। और पता है दोस्तों मेरे घर से ये पार्क 10 किलोमीटर है गाइस, यानी एक डेढ़ घंटा लग जाता है गाइस। और मैंने यहाँ अपने धन्नों को खड़ी कर दिया, अब चलो दोस्तों चलता हूँ अंदर। गाइस यहाँ तो कोई मगरमच्छ दिख ही नहीं रहा है, बाहर नहीं आ रहा। अगली बार आए थे तो यहाँ पर था मगरमच्छ, पर इस बार नहीं दिख रहा है गाइस। गाइस ये दोनों जो खड़े हैं, ये दोनों बाप बेटे हैं दोस्तों, और ये लोग दोस्तों बिहार से हैं और यहाँ बड़ोदरा में आए हुए थे दोस्तों। 10 दिना हो गया गाइस, और इसको किसी ने इसके गांव वाले ही बुलाए थे गाइस कि आप आ जाओ बड़ोदरा में, आपको नौकरी लगवा देता हूँ गाइस। तो वो जो बुलाया था वो तो भाग गया गाइस, और ये बेचारे 10 दिन से ही पार्क में पड़े हैं। एक आश्रम है वहाँ जाकर ये लोग खा लेते हैं दोस्तों, और किसी ने कोई गुजराती है आदमी वो बोला है इन लोगों को 500 रुपये देगा गांव जाने का, तो उन लोगों का ये वेट कर रहे हैं दोस्तों। और गाइस ऐसा करना नहीं चाहिए, वो खुद के गांव का था और तू बुलाया भी और भाग भी गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों किसी के साथ। गाइस अभी मैं पार्क में आया था ना, तो एक आदमी है जो कि बिहार से है, तो बाप बैठे हैं दोस्तों। वो लोग ना मतलब जो बुलाया था उनको गांव का ही था, लेकिन वो बड़ोदरा में बुलाया और उसके बाद भाग गया गाइस। तो बेचारे वो लोग फंस गए हैं गाइस अभी, मतलब कि एक गुजराती आदमी है, उन्होंने बोला है कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा घर जाने के लिए, तो दोस्तों उनका वेट कर रहे हैं वो लोग। और ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए दोस्तों, एक गाँव का तुम होकर और गाँव का आदमी को तुम बड़ोदरा इतना बड़ा सिटी में बुलाओगे और उसके बाद तुम भाग जाओगे। और साथ में लेकर आया था गाइस, और ऐसे आप किसी के साथ करोगे तो कितना उसको तकलीफ होगा, उसके पास पैसे भी नहीं है गाइस, और पहली बार आया भी है बड़ोदरा में, किसी को जानता भी नहीं है, कोई है भी नहीं यहाँ बड़ोदरा में उसका, और खाना पीना वो कहाँ खाएंगे दोस्तों। गाइस यही लोग हैं, और मैं अपने पापा को दिखाऊँगा तो शायद पापा मेरे दे दे 500 रुपये तो चले जाएँगे। ऐसे नहीं अच्छे घर से हैं, जहाँ से आए अच्छे घर से हैं गाइस, अगर फंस गए तो क्या करें। तो गाइस मैं कल आऊँगा इनको 500 रुपये दे कर जाऊँगा, और आप लोगों को दिखाऊँगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे झूठ बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं। कल आऊँगा मैं 500 रुपये इनके लिए ले कर आऊँगा, कोई बहुत दिक्कत हो गए अभी फंस गए हैं। तो दोस्तों मैं यूपी का हूँ, तो मैं सोच रहा थोड़ा इनका मदद कर देता हूँ दोस्तों। और जो लोग इनको बुलाए थे वो लोग बिहार के ही थे गाइस, उन लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए था, जब नौकरी आपको दिलवाना नहीं था यहाँ बड़ोदरा में तो आप बुलाए क्यों फालतू, अब बेचारे कितना परेशान है। एक लड़का भी है साथ में दोस्तों, और पता है दोस्तों लड़के का मालूम नहीं है, सब सब 5 साल पेट हो गया उनका गाइस, अभी लड़का तो चूड़ा खा लिया है, अभी उसका पेट भर गया है तो खेलने चला गया गाइस। और अंदर मैं आपको कल 500 रुपये लाकर दूँगा, और आप या तो वहाँ मिलना या तो यहाँ, ठीक है। तो अंकल के लिए मैं 500 रुपये लेकर आऊँगा दोस्तों दूँगा, और ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए। बुलाओगे अभी इनका सिटी में कोई है नहीं, बड़ोदरा में कोई नहीं है, ना जान है ना पहचान है दोस्तों, किसी को जानते भी नहीं यहाँ पर कि यहाँ कोई इनका अपना हो मदद कर सकता है। पहली बार आप आए हो यहाँ, पहली बार आए हैं दोस्तों, और 10-15 दिन से यहीं भटक रहे हैं। आश्रम में चले जाते हैं खाने और फिर यहीं सोने चले जाते हैं, कोई रात को 1 बजे उठा देता है, कोई 3 बजे उठा देता है, ऐसा करता है स्टेशन पे दोस्तों। तो कल आएंगे दोस्तों इनके लिए पैसे लेकर आऊँगा, और आप टेंशन ना लेना गए, कल मैं 500 रुपये लेकर आऊँगा आपको देकर फिर मैं जाऊँगा। तो गाइस आपने देखा वो आदमी कितना परेशान था बेचारा, बोला था यार मुझे बिहार से बुलाए बड़ोदरा नौकरी के लिए और खुद गायब हो गए, जो कि वो आदमी गांव का ही था, वो भी बिहार का ही था दोस्तों। पर कोई बात नहीं, मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि 500 रुपये मैं दूंगा, तो मैं कल आऊंगा दोस्तों उसको 500 रुपये मैं दूंगा। तो अच्छा खासा मूड से आया था गाइस में घूमने, और अंकल मिल गए,
बताने लगे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कल आऊँगा, मैं देख कर फिर मैं जाऊँगा। तो गाइस मैं अपना वीडियो भी यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में।